हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज से day 3, जैसे ही देख सकते हो मैं जल्दी से नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि आज हम कहीं जा नहीं रहे घूमने। आज मुझे फिर से एक वीडियो का शूट करना है अपना, तो ये बहुत मुश्किल वाला है काम क्योंकि वो तो हो गया जैसे तैसे। ये है क्लासिकल, तो मैं सोच रही हूँ मैं वो रूम में भी थोड़ा सा कुछ करूँ क्योंकि रूम में पूरा जो ये बैकग्राउंड है पूरा लोकेशन आ रहा है रूम से, और थोड़ा सा इस एरिया में क्योंकि क्लासिकल है तो इसमें ज़मीन पे ये खाली पैर करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो इस वजह से सोच रही हूँ। लेकिन देखते हैं, ट्राई तो अपना मतलब बेस्ट तो दूँगी क्योंकि मुझे अपना वीडियो ख़राब नहीं करना है, और ट्राई करूँगी कि बहुत ही अच्छे से हो और जैसा मैं चाह रही थी कम से कम उसके आसपास ही हो तो ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि नीचे करना बहुत ही मुश्किल है खाली पैर ज़मीन पे। ऐसे फ्लोर पे कर लोगे लेकिन ये मिट्टी और जो ऐसे कंकड़ पत्थर होते हैं ना पहाड़ी एरिया में, उसमें करना बहुत मुश्किल है। तो इस चक्कर में, और आज धूप भी मतलब कम है, कल तो धूप था। हम बाहर घूमने गए जब धूप हो जाता है जिस दिन यहाँ रहते हैं उस दिन धूप कम हो जाती, पूरी क्लाउडी है। सुबह का मॉर्निंग तो मैंने आपको दिखा दिया था, जो सनराइज़ होता है ये बेस्ट है यहाँ का, ऐसे सनराइज़ आप देख सकते हो। पूरा जो सूरज है पहाड़ के अंदर से निकलता है सनराइज़ के टाइम, आज हमने सुबह देखा, मस्त लग रहा था। तो ये है प्लान, कुछ खाली मतलब एरिया नहीं मिल रहा है मुझे, और जैसे कि मैं सोच रही थी उधर वहीं पे वो जो पोर्शन है ये इस पे जाऊँ खाली मतलब प्लेन लग रहा है मुझे, लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है ये है। और बाकी सारे जगह पे जो है ये अपुल के पेड़ लगे हैं, जहाँ पे अपुल का पेड़ होगा ना वहाँ पे अपुल के पेड़ का कांटा है या क्या है झाड़ियाँ जैसा, मतलब सूखे सूखे कांटे पड़े रहते हैं। तो लास्ट वाला जो वीडियो मैंने शूट किया उसमें भी मेरे पैर में बहुत चुभ रहे थे, बहुत चुभ रहे थे, तो मैंने वो जूता पहन के, जूता लाई थी ये बाई चांस ले आई थी, और मेरे पास मैचिंग मतलब सिल्वर कलर का तो था नहीं, इसलिए मैं जो था वो ले आई थी उसमें किया क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज तो कत्थक है, जूता पहन के तो कर नहीं सकते हम, वो तो वेस्टर्न था चल गया, तो उसमें खाली पैर ही करना है मुझे। क्या करूँ मैं सोच रही हूँ कहाँ कहाँ करूँ, और ये अंदर अगर ये इसके अंदर यहाँ करूँगी ये वाला एरिया में तो आएगा तो लोकेशन, लेकिन हाँ ये जो जाली लगा है उतना अच्छा नहीं लगेगा, इनका बाउंड्री जो तार की जाली यहाँ लगी है अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन हाँ फुल कोशिश करूँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, वो लोग तो हनी तो सो रहा है, ये तो उठ गए, उठ के ग्राउंड मार के आए कहाँ है ठीक ठाक जगह भी मतलब बनाने के लिए, लेकिन कहीं नहीं है, बहुत ही मतलब पहाड़ी एरिया है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा रियाज करने में। तो ऊपर से धूप भी नहीं हो रहा है आज, कल तो बारिश भी दिखा रहा है, तो इस चक्कर में ना आज प्लान किया, नहीं तो आज हम घूमने भी चले जाते क्योंकि कल बारिश हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। बारिश में थोड़ा बहुत इधर उधर घूम भी सकते हो लेकिन रियाज नहीं कर सकते बाहर। तो मैं जा रही हूँ रेडी होने, रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ, बाय। हे गाइस, अभी मैं जो है रेडी हो गई हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा है और ब्रेकफास्ट भी आ गया है, तो मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करूँ, उसके बाद बाकी की तैयारी। ओके गाइस, फाइनली मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, अभी धूप है तो क्लियर वीडियो बन जाएगा, तो इस चक्कर में चलो चलते हैं। आज हम ना बहुत जल्दी रेडी हुए हैं, 10 बजा नहीं है, उस दिन की तरह लेट नहीं किए, उस दिन थोड़ा लेट आ रहा आराम से कर रहे थे तो धूप चली गई और बहुत देर लग गया, जल्दी कहें कि इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, वो तो वेस्टर्न इजीली हो जाता है, क्लासिकल वो भी देख रहे हो ऐसा है रास्ता, सो कुछ इस तरह का ये
कच्चा कच्चा रास्ता जो पहाड़ में होता है उसमें जा रहे हैं। हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ उस दिन गए थे। जाने के टाइम कुछ नहीं होता है, पता नहीं चलता है। आने के टाइम हालत ख़राब होगी और मेरा जो आउटफिट है उसमें उठा उठा और हालत ख़राब। ओके गाइस, हम लोग आके अब हमारी जो पुरानी लोकेशन था वहाँ पहुँच चुके हैं। इधर कोई जो कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते ये वाला एरिया में। तो यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे है पूरा कांटे कांटे और ऊपर से पत्थर। देखते हैं क्या करना है, थोड़ा सा साफ करके करूँगी। घास भी नहीं है ना, घास होते तो इतना पता नहीं चलता, घास नहीं है। ठीक है, हम अब शुरू करते हैं ऊपर से नीचे आने में। 10 से 15 मिनट लग गए। वो जो रेड वाला बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ से आए हम, तो वहाँ से यहाँ तक रास्ता तो देख ही लिया आपने कैसा है। अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना डांस। तो यहाँ पे हमारा शूटिंग जो है शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी क्योंकि पूरा टाइम मेरे पैर में जो है वो कंकड़ पत्थर, उसके जो झाड़ियाँ वो चुभ रहे थे। बैठने वाले पार्ट जो था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि आराम से आप बैठ के जो भी एक्सप्रेशन है और डांस के मूवमेंट है वो आप कर सकते हो, उसमें ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जितने भी मुझे चक्कर लेने थे या चल के जाना था डांस में आगे, तो उस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि पैर जहाँ पे भी पड़ रहा था वो या तो गड्ढा होता था या तो वहाँ पे कोई झाड़ियाँ कांटे इस टाइप के थे, तो पैर रखते ही पैर में चुभते थे। तो क्लियर जो है मेरा स्टेप किसी किसी में आ पा रहा था, किसी किसी में नहीं भी आ पा रहा था। तो इस चक्कर में मुझे एक एक पर्सन को 2-4 बार शूट करना पड़ा ताकि वो जो स्टेप है वो क्लियर आ जाए किसी क्लिप में, तो मैं अच्छे से उसको ऐड करूँ और वीडियो में वो खराब ना लगे। एक्चुअली आप जब क्लासिकल करते हो तो अगर प्रॉपर स्टेप ना दिखे तो या तो कुछ भी उसमें गड़बड़ हो तो बहुत ही ऑड लगता है यार, फिर काहे का आप क्लासिकल डांसर हो। तो ये सब चीज़ के लिए मतलब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब हम शूट करते हैं ताकि स्टेप जो है क्लियर हो। लेकिन इसका यहाँ पे जो लोकेशन था उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये क्लासिकल शूट किया। और यहाँ पे आप क्लोजली देख सकते हो ये जो जहाँ पे मैं कर रही हूँ उसका कितना खराब हालत है। इस जगह पे मुझे करना है, झाड़ियाँ है, ये सब छोटे पत्थर जो है वो भी चुभते हैं और ये झाड़ियों में कांटे हैं, कांटे जो है पैर में पिंच हो जाते हैं। कभी कभी आप जैसे ही पैर रख देते हो वो पिंच होता तो है, तो इस चक्कर में स्टेप पूरा गड़बड़ जा रहा। सो स्पेशली जितने चक्कर और जो आगे जाने वाले स्टेप होते हैं उसमें ही मेरे पैर में चुभ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं चल रहा था मैं जहाँ पे भी पैर रख रही हूँ वहाँ कोई झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं या वो कंकड़ पत्थर है, वो सब चुभ जा रहा है। सो किसी भी क्लासिकल डांस के लिए क्लीन क्लियर सरफेस चाहिए होता है, बट यहाँ का जो लोकेशन था वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ऐसा लोकेशन में शूट आप रेयर ही कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने फिर से ये कत्थक वाला जो डांस है यहीं पे किया। तो इससे पहले जो शूट किया था मैंने महबूब मेरे, उसका क्लिप मैंने जाके देखा शूट के बाद, तो मुझे ये इसका जो लोकेशन है वो बेस्ट लगा, इसलिए तो मैंने सोचा कि कत्थक भी मैं यहीं पे करती हूँ क्योंकि ऐसा लोकेशन बाद में मिलना मुश्किल है और हम दूसरी जगह तो कत्थक भी कर सकते हैं लेकिन लोकेशन हमको नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में मैंने इस परफॉर्मेंस को यहीं पे किया है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई लेकिन ठीक है, सब चलता है। अब हमको शूट तो करना ही है, अच्छा लोकेशन भी चाहिए, सब चीज़ तो नहीं मिल सकता, तो इस चक्कर में यहाँ पे किया। सो एंडिंग वाला जो क्लिप है इसको हमने हर एंगल से शूट किया है ताकि इसका जो एंडिंग मस्त लगे वीडियो में, और आपका जो बिगनिंग और एंडिंग ये आपके वीडियो को राइज करता है, ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक डांसर का यही पहचान होती है। तो हम ऊपर आने के बाद ये जो कुआ है इसके ऊपर भी मैंने कुछ स्टेप्स किए हैं जो मैंने ऐड भी किए हैं वीडियो में, लेकिन यहाँ पर क्या है ना लोकेशन इतना दिख नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर ज़्यादा शूट तो नहीं किया, थोड़ा सा ही किया था, लेकिन देख सकते हो आप यहाँ पर इतना लोकेशन नहीं शो हो पा रहा है, स्टेप तो क्लियर आ जा रहे हैं। अभी जो है तो कंप्लीट हो गया, बहुत मुश्किल था, सब इसे यहीं पे कर लिया मैंने।
अब फिर दूसरी जगह जाके करने की हिम्मत नहीं थी, बहुत कंकड़ पत्थर है, देख रहे हो ना ये पूरा झाड़ियाँ है। चुभ रहा था पैर का, हालत ख़राब। तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट किया है अपना। ये लोकेशन की वजह से मुझे अच्छा लगा कि यही करूँ तो मस्त बैकग्राउंड आएगा। तो थोड़े से रील्स भी बनाए इस गेटअप में। इतना मुश्किल से तैयार होने में बहुत, एक घंटा लगता है यार, एक घंटा दो घंटा लगता है। मैं सुबह उठते ही नहा के आपसे जब लास्ट वाला क्लिप में ऐड करूँगी तो देखना, उसमें तुरंत सुबह उठी, ब्रश की, नहाई, पहले नहाई फिर जाके नहा के रेडी होने लगी, क्योंकि लेट हो जाता है रेडी होते ही। पिछली बार सूट जो किया था वो वाला वीडियो का, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा, मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद रेडी हुई तो बहुत देर हो गई सूट करते करते, और दिमाग ख़राब है, ये जगह भी पता नहीं था, बाद में आए यहाँ लोकेशन, और ऐसे ही मौसम तो ऑलमोस्ट ऐसे ही हो गया था। लेकिन आज ठंडा नहीं है, हवा नहीं चल रही है, सुबह चल रही थी लेकिन अभी नहीं चल रही। अब मैं डांस भी कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा गर्मी मेरे बॉडी में है, आई एम हॉट। तो मैं बहुत खुश हूँ, इतना प्रॉपर स्टेप तो नहीं हुआ है सच बताऊँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाएगा, ये सब इतने कंकड़ पत्थर ये सब, उसमें प्रॉपर स्टेप जितना प्रैक्टिस किया है मैंने, बहुत प्रैक्टिस किया था कि ये बहुत अच्छा हो। घर पे करती या किसी रूम में या स्टूडियो में तो और अच्छा होता, और यहाँ पे इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, कहीं में गड्ढा आ रहा है, जैसे टर्न ले रही हूँ, चक्कर ले रही हूँ, तो कहीं गड्ढा आ रहा है पैर में, गड्ढे में पड़ रहा है पैर, तो मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, तभी मैंने उसमें मैनेज किया है। चलो ऐसे ही डिफ़िकल्टीज़ के साथ एक ही वीडियो बनती है, लोकेशन स्टूडियो होता है, मस्त लगता है, और थोड़ा बहुत इधर उधर डांस होता है तो चलता है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं। तो अभी हो गया है शायद 2 के आसपास, 1 या 1:30 बज गया होगा। तो हम आए थे 9:30 के बाद, 10 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे, अभी इतना टाइम हो गया है शूट करके, देख लो। और जा रहे हैं अभी ऊपर, ऊपर जाने में 15 मिनट कम से कम 15 मिनट लगेंगे, पर वो जो रेड वाला है वहाँ पे जाना है हमें, ठीक है, तो कम से कम 15 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में, और ऊपर जाने में हालत ख़राब होती है, चढ़ाई है। तो ये था आज का जो शूटिंग का बिहाइंड द सीन में शूट तो नहीं हो पाता, क्योंकि बिहाइंड द सीन के लिए और एक दो लोग चाहिए जो आपका बिहाइंड द सीन शूट करें। हमारे पास बस एक कैमरामैन और मैं एक डांसर, तो ये दो लोगों में बिहाइंड सीन नहीं हो पाता है। फिर भी अगर कोई इधर उधर का क्लिप होगा कोई डांस वीडियो में तो मैं ऐड करूँगी। तो ये लोकेशन बहुत ही मस्त है, कैसे बताऊँ आपको, और एक दिन मैं आऊँगी अगर बारिश वारिश नहीं हुई तो वहाँ प्रॉपर एक हट ड्रेस में रील्स बनाऊँगी, रील्स और रील्स बचाए मेरा बस, और एक दिन घूमना है। तो चलो ऊपर चलते हैं। सो, यहाँ पे ख़त्म करने के बाद ये चढ़ाई चढ़ना है जो कि बहुत ही मुश्किल है, लहंगे में चढ़ना, उतरना भी मुश्किल था। तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना भूल गई, मैंने मेरे जो दोनों वीडियो शूट है, दोनों वीडियो शूट में मेरे जो इयररिंग है, इयररिंग का जो स्टॉपर होता है पीछे जो लगाते हैं, वो गिर पड़ा था। तो जो महबूब मेरे में, तो आपने देखा होगा बीच में मेरा एक कान का इयररिंग था, दूसरे में नहीं था। और इसमें मैंने क्या किया कि हम लोग च्युइंगम लेके गए थे तो पीछे मैंने च्युइंगम को लगाया था इयररिंग के पीछे, कुछ ऐसे ही करके डांस शूट हुआ है। बहुत सारे चीज़, बहुत फन, मस्ती, डिफ़िकल्टीज सबके साथ।